गुड मॉर्निंग बच्चों, आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए पढ़ाई भी जारी रखी होगी अपने घर में। तो आज हम आपके लिए कक्षा 6 के लिए एक प्रश्न लेके आए हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या आपने देखा, इन्हीं में से कई बार हम नंबरों को अलग अलग पैटर्न में रखते हैं। जैसे हमने इसमें सम संख्याएं भी देखी, विषम संख्याएं भी देखी, 3 के गुणन भी देखे, 4 के गुणन भी देखे, 5 के। तो इसी तरह से हमने देखा था कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो हमें पता था वही संख्या है जिनके दो ही अपवर्तक होते हैं। एक एक तो सभी का अपवर्तक होता है, यानी वह संख्या जिसका जो स्वयं का क्या है, अपवर्तक है। तो आपको पता है पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, और उसके बाद 10, सॉरी 11, और उसके बाद 13। इसी तरह से हम आगे की संख्याएं भी देखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें थोड़ा सा विभाज्यता का नियम को भी अपने दिमाग में रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तो अब देखिए, हम किसी भी संख्या को, जैसे देखें हम एक संख्या लेते हैं जैसे 6। इस 6 के हम गुणा के रूप में अगर खंड करें तो हम 1 गुणा 6 के रूप में भी इसकी गुणनखंड कर सकते हैं, और 1 2 गुणा 3 के रूप में। तो देखिए, ये एक संख्या है, एक एक तो खैर है, मल्टीपल है। इसके बाद 6, 6 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। लेकिन 2 देखिए, 2 एक अभाज्य संख्या है, और 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब हमने जो 6 की गुणनखंड किए हैं, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसकी गुणनखंड है। इसी तरह से एक 12 संख्या देखिए, हम 12 के गुणा के रूप में खंड करते हैं। जैसे हमने लिखा 1 गुणा 12, ये भी गुणा के रूप में खंड है। 1 2 गुणा 6, ये भी गुणा के रूप में खंड है। 1 हमने लिखा है 3 गुणा 4, ये भी गुणा के रूप में खंड है। तो और अगर हम इसी तरह से देखें, एक गुणनखंड हमारा एक और है, 3 गुणा 2 गुणा 2। तो अब अगर हम इस सवाल को ध्यान से देखें तो आप देखिए, 1 तो सभी का गुणन है, ठीक है। अब देखिए 12 हमने लिखा, क्या 12 अभाज्य संख्या नहीं है? तो इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसी तरह से इसको भी देखेंगे, इसी तरह से इसको। लेकिन इस संख्या में देखिए, 3 एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, और ये 2 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। इसका मतलब 12 के ये वाला जो गुणनखंड है वो कैसे गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तो आप किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं, जो आपकी बुक में दिखाई दे रहे हैं, इसमें 2-3 मेथड आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हमने कोई संख्या 36 लिया है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, हमारी 2 है। पहले हम 2 के लिए चेक करेंगे कि 2 से ये डिविजिबल है या नहीं, यानी 2 का भाग इसमें जाता है या नहीं है। तो आप देखें, 6 है, इसकी इकाई में 6, इसे नहीं, 2 से क्या होगी, भाज्य होगी। तो पहले 3 में देंगे, 2 1 2, फिर इसमें शेष कितना बचा, 1, और 6 हो जाएगा 16 2 8 16, 18 बार भागा गया। फिर हम 18 को देखेंगे, 18 भी 2 से क्या है, भाज्य है, फिर 2 से देंगे, तो 2 से 2 9 18। अब देखेंगे 9 जो है वो 2 से भाज्य नहीं है, तो ये 3 से भाज्य है, तो 3 से देखेंगे। दूसरी हमारे अभाज्य संख्या 3 है, 3 से देखेंगे, 3 3 9, फिर 3 से देखा और 1। इस तरह से हम देखेंगे जो 36 के अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये 36 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। इसी तरह से और कोई प्रश्न देखिए, जैसे हमने देखा एक नंबर, हम देखते हैं जैसे माना ये 136, या हम देख रहे ये नंबर है, चलिए हमने बड़ा नंबर ले लिया है, एक 36 वाला देखते हैं, इसको भी देखिए। फिर उसी तरह से देखिए, इसके इकाई में 6, या इसका मतलब ये 2 से क्या है, भाज्य। तो 2 से कितनी बार जाएगा, 1 में नहीं आया, तो सीधे 13 में देंगे, 2 छक्का 12, और बचा कितना, 1 2 8 16। फिर इसी तरह से 2 से देंगे, 2 3 6, 2 चक्को 8, फिर 2 से देंगे, 2 कम 2 2 7 14, फिर 3 से चेक करेंगे नहीं जा रहा है, ये 5 से भी नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा, तो अब फिर ये लास्ट 17 से ही जाएगा, 17 1 कम 17। तो आप देखेंगे, यानी 136 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 17, ये अभाज्य गुणनखंड। तो इसी तरह से यानी हमने उस संख्या की जो गुणा के रूप में खंड करने, वो प्रत्येक संख्या जो होगी अपने आप में क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अगर वो अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब ये सब इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। इसका प्रयोग हम क्या कहते हैं, मॉस और लॉस निकालने में भी करते हैं, और इसी तरह से हम वर्गमूल निकालने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए आगे,
हमने और कोई संख्या लेते हैं 1, 4, 6, 8 हमने संख्या लिया, 0 ले लेंगे यहाँ पर और देखिए चेक करिए क्या ये 2 से भाज्य है, तो आपको लग रहा है हाँ 2 से, तो वही प्रोसेस आपको करने 2 7 14, 2 3 6 और 0, फिर 2 से 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, फिर 3 से देखिए 6 3 9, 9 और 5 14, 3 से नहीं होता तो इसका था, फिर 5 से 5 7 35 और बचा कितना 36 1 5 और 5 3 15। और आपको ध्यान रखना है कि 73 भी एक ऐसी संख्या है अभाज्य, तो इसका मतलब ये 73 से ही क्या होगी भाज्य होगी, यानी एक बार यानी 1, 4, 6, 0 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 × 2 × 5 × 73 होंगे। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। जो आपकी बुक में गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड है उसके लिए विधि आपको दी है, यानी एक तरह से अभाज्य गुणनखंड जो हम कर रहे हैं वो गुणनखंड वृक्ष के रूप में कर रहे हैं, जिसको हम फैक्टर ट्री भी कहते हैं। जैसे हम कोई 36 ले लें कोई नंबर, और इस 36 के कोई भी गुणा के रूप में 2 फैक्टर कर सकते हैं, जो वो हमें हम पर निर्भर है हम कैसे कर रहे हैं। जैसे अभाज्य की बात नहीं हो रही, केवल 36 के फैक्टर किए जा रहे हैं, जैसे हमने लिखा 18 × 2, आपको पता ये इसका मतलब ये मल्टीपल है, 18 × 2 = 36 है, तो अब देखिए 2 के तो अब गुणनखंड होंगे नहीं, 2 कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है, फिर 18 को हम फिर तोड़ेंगे, 18 किसमें टूटेगा आपका, यानी 9 × 2, यानी 9 दुनी कितना हुआ 18, 9 × 2 = 18, फिर हम देखेंगे ये एक अभाज्य संख्या है, और इसी तरह से 9 को हमने फिर क्या लिखा 3 × 3, यानी बीच में गुणा का चिन्ह ध्यान रखिएगा, ये आपस में क्या है गुणा, यानी 18 × 36 यानी 9 × 18 और 3 × 3 कितना हो गया 9, तो इसका मतलब जो ये वृक्ष बन रहा है आपका ट्री वृक्ष, यानी 36 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब देखिए लास्ट इसमें अभाज्य संख्या कितनी है, या ये पहले इसको देख लीजिए, चलिए यहीं से शुरू करते हैं, 2 ये भी एक 2 है और ये 3 और ये भी क्या है 3, तो देखिए 2 × 4 और 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। आइए और एक और प्रश्न को हम करते हैं, जैसे एक नंबर हमने ले लिया 60 ले लिया नंबर, देखिए अभी 60 को हम पहले आप अपने हिसाब से भी इसको ब्रेक कर सकते हैं, आपने थोड़ी देर के लिए 10 × 6 लिख लिया, कोई बात नहीं आप पर निर्भर करता है। अब 10 के देखिए फिर अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, अब 10 को हम तोड़ेंगे यानी 2 × 5, और इसी तरह से इस 6 को भी हम क्या करेंगे 2 × 3, यानी ये भी एक अभाज्य संख्या होगी, ये भी एक अभाज्य संख्या, ये भी एक अभाज्य संख्या और एक ये भी क्या है अभाज्य संख्या, यानी 60 की जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे 2 × 2 × 5 और गुणा 3। अब क्रम में लिखना चाहते हैं तो क्रम में भी लिख सकते हैं, यानी 2 × 2 × 3 × 5, तो इस तरह से 2 × 2 = 4, 4 = 12 और 12 × 7। कभी कभी बुकों में आप देख रहे होंगे कि अगर हम इसको ऐसे ना लिखें, अगर आपको थोड़ा सा इसको हल करने में दिक्कत हो रही है तो पहले से ही हम अभाज्य संख्या को लेकर चल सकते हैं, जैसे यानी हम 60 है इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक 60 संख्या है, इसके हमने 2 फैक्टर लेने जिसमें एक संख्या अभाज्य, यानी हमने इसको क्या ले लिया 30 × 2, यानी अभाज्य के रूप में, यानी 30 × 2 = 60 का अभाज्य संख्या। फिर 30 के देखिए अगर कोई अभाज्य की गुणन है या नहीं है, जैसे 5 ही गुणन है तो आप 6 × 5 ये अभाज्य जो है, फिर देखिए ये भी एक अभाज्य संख्या, आप 6 के देखिए 6 के हो गए 2 × 3, यानी हमने पहला एक संख्या, यानी हम 60 के ऐसे गुणन कर रहे हैं जिसमें एक संख्या क्या है अभाज्य संख्या है, तो हम देखें 30 × 2 यानी 2 एक अभाज्य संख्या है, फिर हमने लिखा 30 के भी हमने गुणन देखा जिसमें से एक संख्या हमारी अभाज्य संख्या है, यानी 6 × 5, 5 हमारे अभाज्य, इसी तरह से 6 के गुणनखंड 2 × 3, तो अब देखिए अगर 60 के अगर अभाज्य गुणनखंड लिखे तो 2 × 2 हमारा यहाँ है 2, फिर हमारा कितना है 3 और फिर हमारा है 5, तो इस तरह से जब हम गुणनखंड करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है गुणनखंड वृक्ष या फैक्टर ट्री, हम इसको एक बार फैक्टर ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इन संख्याओं के भी जो है क्या कर सकते हैं गुणनखंड वृक्ष तैयार कर सकते हैं। देखो बच्चों हमने आपके लिए कुछ होमवर्क दिया हुआ है, कुछ प्रश्नावली आपकी बुक में भी है, यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं कि निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो,
एक हमने 345, दूसरा दिया है 129, एक है 450, एक है हमारे 860 और एक है 1236। तो इनको आप अपनी तरह से कोशिश करिएगा।